देश के महानगरों में बीते कुछ दिनों से कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार घट रही है। इस बीच कई एक्सपर्ट ने दावा किया है कि कोरोना का नया वेरिएंट इंसान की इम्यूनिटी बढ़ाने का काम कर रहा है। इस पर विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO की चीफ साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन का महत्वपूर्ण बयान भी सामने आया है। स्वामीनाथन ने कहा कि ओमिक्रॉन का इन्फेक्शन डेल्टा के खिलाफ इम्यूनिटी बढ़ा सकता है, लेकिन यह तभी संभव है जब आप कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीनेट हैं। अनवैक्सीनेटेड लोगों के लगभग समान और लो न्यूट्रलाइजेशन के साथ शुरू करने के बावजूद वैक्सीनेट लोगों में वायरस को बेअसर करने की क्षमता अधिक पाई गई है, यानी वैक्सीनेट लोगों में डेल्टा के खिलाफ न्यूट्रलाइजिंग इम्यूनिटी बढ़ी है, जबकि अनवैक्सीनेटेड लोगों के साथ ऐसा नहीं हुआ है। सौम्या स्वामीनाथन का यह ट्वीट उन कई अफवाहों पर विराम लगाता है जो सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही हैं। स्वामीनाथन ने अपने ट्वीट में लिखा है कि संक्रमण वैक्सीन का विकल्प नहीं बन सकता। ट्वीट से एक बात तो साफ है कि वैक्सीन लगवाते हैं तभी सुरक्षा का दायरा बढ़ता है। दक्षिण अफ्रीका में मिले ओमिक्रॉन वेरिएंट पर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस पर हुई पिछली रिसर्च का भी समर्थन किया, जिसमें कई बातें सामने आई हैं। WHO ने भी उन नतीजों का समर्थन किया है। आइए आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं दक्षिण अफ्रीका में ओमिक्रॉन पर हुई रिसर्च में वैज्ञानिकों ने क्या समझा है। अफ्रीका के हेल्थ रिसर्च इंस्टीट्यूट ने ओमिक्रॉन पर हाल में रिसर्च की। रिसर्च टीम ने 13 लोगों को शामिल किया। इन 13 में से 11 ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित थे। इनमें से 7 मरीज ऐसे थे जिन्हें वैक्सीन लग चुकी थी। ओमिक्रॉन से संक्रमित इन लोगों में डेल्टा के खिलाफ 4 गुना से ज्यादा इम्यूनिटी मिली है। दक्षिण अफ्रीका के वैज्ञानिकों ने पाया है कि ओमिक्रॉन से संक्रमित लोगों में डेल्टा की तुलना में गंभीर बीमारी विकसित होने की संभावना 70% तक कम होती है। रिसर्च में यह सामने आया है कि ओमिक्रॉन से संक्रमित मरीजों में जो इम्यूनिटी बन रही है वो डेल्टा के असर को कम कर रही है, इसलिए इनमें डेल्टा के संक्रमण का खतरा कम रहेगा। शोधकर्ताओं का कहना है अगर लोग ओमिक्रॉन से संक्रमित होंगे तो ज़्यादा खतरा नहीं होगा, हालांकि अलर्ट रहने की ज़रूरत है। रिसर्चर मानते हैं कि अगर डेल्टा जैसे खतरनाक वेरिएंट को ओमिक्रॉन ने रिप्लेस किया तो गंभीर मरीजों की संख्या में भारी कमी आ सकती है। यह रिसर्च अमेरिका जैसे देशों के लिए अहम है क्योंकि वहां अभी भी काफ़ी मरीजों में डेल्टा मिल रहा है। अगर ओमिक्रॉन डेल्टा को वहां रिप्लेस कर देता है तो अमेरिका में अस्पतालों में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या में कमी आ सकती है। शोधकर्ताओं का कहना है दुनिया भर में ओमिक्रॉन के संक्रमण की रफ्तार भले ही तेज है, लेकिन इसके मरीजों में हालत गंभीर होने का खतरा कम है। उनके हॉस्पिटल में भर्ती होने की आशंका भी कम है क्योंकि ओमिक्रॉन कोरोना के पिछले वेरिएंट के मुकाबले माइल्ड है। ब्यूरो रिपोर्ट, ओजांग टाइम्स।